जैकी श्रॉफ की पत्नी और टाइगर श्रॉफ की मॉम आयशा श्रॉफ इन दिनों काफी मुश्किलों में हैं। उन्होंने खुद के साथ हुई 58 लाख की धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में। इसे लेकर एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। चीटिंग का ये केस एलन फर्नांडिस नाम के एक शख्स के खिलाफ दर्ज कराया गया है। आखिर कौन है एलन और क्या है ये मामला, चलिए बताते हैं आपको। दरअसल एलन और कोई नहीं बल्कि आयशा और टाइगर श्रॉफ के जिम एमएमए मैट्रिक्स कंपनी के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन रह चुके हैं। इस जिम का सारा काम एलन और आयशा ही मिलकर संभालते हैं क्योंकि टाइगर खुद के प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी रहते हैं। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें बताया गया है कि एलन ने भारत और विदेश में टूर्नामेंट आयोजित करने के नाम पर कंपनी से काफी पैसे उठाए थे। ये रकम 58 लाख से ज्यादा थी लेकिन ये पैसा वापस नहीं लौटाया गया, लिहाजा काफी समय इंतजार करने के बाद अब आयशा ने इसे लेकर मामला दर्ज कराया है। साल 2015 में भी आयशा श्रॉफ ने एक्टर साहिल खान पर केस दर्ज कराया था कि वो भी 4 करोड़ की चीटिंग कर रहे हैं, जिसे लेकर भी खूब बातें बनाई गई थी। सिनेमा से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करें।